माचार्य जी प्राय मेरा प्रश्न ये है कि मांसाहार पे आपने काफ़ी कुछ बोला है कि चिकन नहीं खाना चाहिए मीट नहीं खाना चाहिए मीट कंजंक्शन पे। तो मैं एक जो है किसान फैमिली से हूँ तो अक्सर अपनी फैमिली में भी और जो है दोस्तों को भी शेयर करता रहता हूँ वीडियोज आपके मांसाहार पर तो अक्सर हम लोग खेती में भी जो है कीटनाशक डालते हैं तो एक तो प्रश्न ये है कि क्या वो भी एक तरीके की हिंसा ही है और कहीं ना कहीं अपने घर में हम लोग कॉयल लगा रहे हैं तो मच्छर को भी मारना क्या एक हिंसा ही है बढ़िया बैठिए देखिए हिंसा क्या है हिंसा की परिभाषा क्या है जहां आपके पास चुनाव का विकल्प मौजूद था वहां भी आपने अपने स्वार्थ की खातिर दूसरे को मारने का चुनाव करा यह हिंसा है जहां आपके पास विकल्प ही मौजूद ना हो वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं क्योंकि वहां आपकी चेतना का कोई योगदान ही नहीं ये पहली बात हुई दूसरा किसको मार रहे हो वो कौन है जिसको मारा और तीसरा वजह क्या थी मारने की आप इसके दो टुकड़े कर दें क्या आप इसको हिंसा कहेंगे आप एक जीव के दो टुकड़े कर दें उसको हिंसा क्यों कहते हैं अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं किसको मारा इसके दो टुकड़े कर देना हिंसा क्यों नहीं है जीव को मार देना हिंसा क्यों है जीव में चेतना है ठीक तो इसी तरीके से चेतना के भी विभिन्न तलों से निर्धारित होता है कि आप कितनी हिंसा कर रहे हो जिस जीव में चेतना बिल्कुल शून्य बराबर है उसको मारना न्यूनतम श्रेणी की हिंसा है जिसकी चेतना जितनी ऊंची हो उसको मारना उतना बड़ा अपराध होता है सबसे पहली बात तो यह कि जहां आप दूसरे को मारने के विषय में ना सोच रहे हो ना चाह रहे हो पर दूसरे की मृत्यु बिल्कुल संयोगवश हो जा रही है या अस्तित्ववश हो जा रही है उदाहरण के लिए आप आप सांस लेते हो छोटे छोटे जीवाणु आकर के आपकी नाक में फंस के मर गए इसको हिंसा नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें न आपकी सोच सम्मिलित है ना आपके पास चुनाव का कोई अधिकार था ये तो बस हो गया आप चाह के भी इसको रोक भी नहीं सकते थे उसके बाद बात वहां आती है जहां पर चुनाव का अधिकार होता है वहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो तुम्हारे द्वारा मारा जा रहा है वो कौन है वो किस तल का है पेड़ है पौधा है मच्छर है पशु है या मनुष्य ही है इसी कारण से मनुष्य को मारने पर बड़ी भारी सजा का विधान होता है जानवर को मारने पर उससे कम सजा का और पेड़ पौधों को मारना जीवन की एक अनिवार्यता है उस पर सजा का विधान नहीं होता हालांकि जो चैतन्य व्यक्ति होगा वो पेड़ पौधों को खाने में भी न्यूनतम हिंसा करेगा ये कहते हुए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आप यदि पेड़ को काट रहे हो तो उसमें भी हिंसा निहित है वहां पर भी पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि जो न्यूनतम हिंसा संभव है उतनी करी जाए और न्यूनतम की बात क्यों हो रही है शून्य की क्यों नहीं क्योंकि यह तो आपकी देह का तकाजा है कि आप जियोगे ही कुछ ना कुछ हिंसा करके आप चल भी रहे हो तो आपको नहीं पता आपके पांव से दब करके किसकी मृत्यु हो गई आप कितनी भी सावधानी रख लो तो भी मृत्यु हो जाती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैनों ने यहां तक विधान करा कि अपने कदम का भी ख्याल रखो हरी घास पर भी मत चलो बरसात के मौसम में चलने फिरने से परहेज करो क्योंकि वो देख रहे थे कि हम जिस तरीके से रचे गए हैं हम जैसे पैदा होते हैं जैसी हस्ती ही है हमारी हम अगर चलते भी हैं तो हिंसा हो जाती है वो कह रहे हैं उसको भी कम से कम करो पर तुम कम से कम कर सकते हो शून्य तो तब भी नहीं कर सकते शून्य नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि कम नहीं करना है कम से कम करना है उसे न्यूनतम तल पर लाना है और जितना आप उसे कम कर दो उतना आपके लिए ही अच्छा है तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है हाँ बिल्कुल ठीक बात है जान होती है पाखंड होगा ये कहना कि पेड़ पौधे में जान नहीं होती या पेड़ पौधा तो बस मृत है उसे मारा जा सकता है लेकिन भाई क्या करें या तो हम पैदा ही नहीं होते प्रकृति ने जो शरीर दिया है वो भोजन कुछ तो मांगता है ना तो अगर मुझे चुनना है कि मैं बकरा खाऊं या सेब खाऊं तो मैं सेब को चुनूंगा और मैं जानता हूं कि अगर मैं पेड़ से फल भी तोड़ रहा हूं तो थोड़ी सी हिंसा तो वहां भी है और अगर मैं पेड़ ही काटे दे रहा हूं तो और ज्यादा हिंसा है लेकिन मैं जानता हूं कि बकरा काटने में और कई गुना हिंसा है इसलिए बकरा नहीं काटूंगा दूसरी बात बकरा अगर मैं खाता हूं तो बकरे का एक किलो मांस बनता है बीस किलो अन्न की कीमत पर तो अगर मैं ये भी कहूं कि देखो आप गेहूं या चावल खाते हो उसमें भी तो हिंसा हो ही रही है तो साहब बकरा खाने में बीस गुना ज़्यादा हो रही है ना क्योंकि जब मैंने गेहूं खाया तो एक किलो गेहूं ही खा लिया पर जब मैंने बकरा खाया तो बकरे का एक किलो मांस बना था बीस किलो गेहूं खाकर तो अगर हम यह भी तर्क देते हैं कि गेहूं का जो पौधा होता है उसको भी तो बचाना चाहिए उसमें भी तो जान होती है तो गेहूं का पौधा भी अगर बचाना चाहते हो तो बकरा मत खाओ क्योंकि बकरे का तो एक किलो बीस किलो से आता है गेहूं से तो यह तर्क भी उल्टा पड़ेगा उनको जो कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है तो उनसे हम कहेंगे कि पेड़ पौधों की खातिर तो तुम बकरा मत खाओ क्योंकि तो जब बकरा खाते हो तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधों का नुकसान होता है तो यह दूसरी बात हुई कि आप जिसको मार रहे हो उसकी अपनी चेतना का स्तर क्या है और फिर तीसरी बात यह हुई कि आप जिसको मार रहे हो क्या वो चेतना का नुकसान करने जा रहा था क्योंकि मूल बात क्या है जीवन किस लिए जीवन चेतना की खातिर है कॉन्शियसनेस की खातिर तो एक मनुष्य है जिस पर एक शेर हमला कर रहा है अब बिल्कुल ठीक है कि आप शेर को मार दो क्योंकि दोनों में ऊंची चेतना किसकी है मनुष्य की दूसरी बात हमला शेर कर रहा था आप अपने शौक और खेल की खातिर शिकार करने जाओ तो वो बात अक्षम में है पर शेर आप पर हमता करता है और अब स्थिति यह है कि दोनों में एक ही बचेगा या तो शेर बचेगा या आप बचोगे तो फिर अब मजबूरी वश आपको यह अधिकार है कि आप शेर को मार दो हां बिना मारे आप किसी तरीके से बच सको बिना मारे आप किसी तरह से उसको रोक सको तो फिर मारना नहीं चाहिए अगर यह संभव हो कि शेर को बस डराई दो और वो आपको ना मारे और दोनों की जान बच जाए तो फिर उस विकल्प का इस्तेमाल होना चाहिए पर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि शेर आपके ऊपर कूद रहा है और अब कोई तरीका ही नहीं है बचने का तो शेर को आप मार सकते हो यही बात मच्छर पर भी लागू होती है आप मच्छर का पीछा करके उसको मारो इस बात की कोई माफी नहीं है मच्छर अपनी ज़िंदगी जी रहा है मच्छर का अपना कुनबा है खानदान है मच्छर जा रहा है कहीं पे हॉलिडे करने आप उसका पीछा कर रहे हो और आपने उसको मार दिया ये क्या बात है पर आप एक ऊंची चेतना के जीव हो मच्छर एक निचली चेतना का जीव है और मच्छर आपके ऊपर बैठ गया और डेंगू मलेरिया आपको कुछ भी लगा सकता है ये मच्छर ने आप पे आक्रमण करा है ना नीची चेतना ने ऊंची चेतना पर आक्रमण कराया पहले तो तेरी चेतना नीची दूसरे तो आक्रमण कर रहा है मेरे ऊपर तो अब आपको हक है कि आप मच्छर को मार दो उसमें भी प्रयास ये होना चाहिए कि मारने की जरूरत ना पड़े उड़ाई दो भगाई दो चल भाई भाग जा या कुछ इस तरह का धुआं वगैरह कर दो कि वो आपके खिड़की से निकल जाए मारने की जरूरत ना पड़े पर जब कोई विकल्प ना बचे आपने ताली बजा के भी देख लिया आपने हवा चला के देख लिया आपने पंखा चला लिया आपने धुआं जला लिया वो तब भी लगा ही हुआ है कि आपको खाई जाएगा तो अब आपने उसको मार दिया तो आपने कोई बड़ा अपराध नहीं कर दिया कुल बात समझ रहे हो ना तो ये सब बड़े बच्चों वाली दलीलें होती हैं कि अच्छा हम हम बकरा काटते हैं हम भैंसा काटते हैं पर तुम भी तो मच्छर मारते हो ना तो तुम तो मच्छर मत मारा करो ज्यादा मांसाहार करने से इस तरह के तर्क निकलने लगते हैं खोपड़ी से क्योंकि खोपड़ी जानवर जैसी हो जाती है जिनकी बुद्धि थोड़ी भी शुद्ध होगी वो इस तरह की दलीलें नहीं दे सकते मांसाहार जो है खोपड़ी को भयानक रूप से तामसिक बना देता है फिर उसमें से ऐसे विचित्र तर्क निकलते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है मच्छर भी मत मारा करो ना एकदम छोटी हो जाती है बुद्धि बात समझ में आ रही है अब आते हैं कीटनाशक वाली बात पर बिल्कुल आप फसल उगा रहे हो उसमें कीटनाशक डाल रहे हो उसमें तो हिंसा है ही उससे बड़ी हिंसा तो फसल उगाने में ही हो गई आप कीटनाशक डालो चाहे ना डालो क्योंकि आप जहां पे अपना फसल उगा रहे वहां पहले क्या था पहले क्या था जंगल था तो खेत ही सब पहली हिंसा है और उस खेत की जरूरत क्यों पड़ रही है इतने लोग पैदा हुए हैं तो मूल हिंसा फिर क्या है अब इतने लोग अगर पैदा कर लिए हैं तो उनको खाने को भी देना पड़ेगा क्योंकि इंसान जो पैदा हुआ है वो तो सुरक्षा का अधिकारी है ना क्योंकि सर्वोच्च चेतना का जीव कौन सा है इंसान तो एक बार वो पैदा हो गया फिर तो उसकी देखभाल करनी ही पड़ती है जब देखभाल करोगे तो कीटनाशक भी डालोगे वो हिंसा वहां निश्चित रूप से है। पहली हिंसा हुई थी जब खेत बनाया था दूसरी हिंसा है जब उसमें तुम कीटनाशक डाल रहे खेती अपने आप में वास्तव में बड़ी हिंसा का काम है कोई छोटी मोटी हिंसा उसमें नहीं है पर तुम खेती रोक कैसे दोगे जब तक आबादी इतनी ज्यादा है इसलिए मैं आबादी के खिलाफ इतना बोला करता हूं आबादी माने हिंसा लोग अपने आप को शाकाहारी बोलते हैं कोई अपने आप को जैन बोल रहा है कोई और कुछ बता रहा है बता ब्राह्मण है कोई अहिंसक बोल रहा है अपने आप को कोई वीगन बोल रहा है अपने आप को बच्चे हैं चार तुम कौन सी तरह के वीगन हो चार बच्चे पैदा कर लिए इससे बड़ी हिंसा कुछ हो सकती है बात समझ में आ रही है हिंसा क्या है दोहराइए हिंसा तब है जब आपके पास किसी ऊंची चेतना को बचाने का विकल्प था उसके बाद भी आपने उसे बचाया नहीं तो उदाहरण के लिए मैं बैठा हूं मेरे पास विकल्प है मैं पत्ता भी खा सकता हूं मैं मांस भी खा सकता हूं विकल्प है मौजूद है और अब मैं चयन करूं कि मैं पत्ता नहीं खाऊंगा मैं मांस खाऊंगा स्वाद की खातिर तो ये हिंसा हो गई और ये तो कहिएगा ही मत की पोषण की खातिर मांस है क्योंकि पोषण बराबर का मिल जाता है शाकाहार में भी देश में किन राज्यों में सबसे कम मांसाहार है आप जानते हैं ना पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात ये चार राज्य हैं जहां सबसे कम मांसाहार है और इनमें से गुजरात को हटा दीजिए तो सबसे ज्यादा सेना में इन राज्यों से नौजवान जाते हैं औसत कद इन तीन राज्यों का सबसे अधिक है पंजाब हरियाणा राजस्थान औसत ऊंचाई सबसे ज्यादा यहां है बॉक्सर यहां से निकलते हैं पहलवान यहां से निकलते हैं जेवलिन थ्रोअर भी यहीं से निकलते हैं और सबसे ज्यादा शाकाहार यहीं पर है तो जो लोग दलील लेके आते हैं कि अरे मांस खाएंगे नहीं तो शरीर कैसे बनेगा ये बिल्कुल मूर्खता का तर्क है अवैज्ञानिक ऐसों को किसी हरियाणवी बॉक्सर के सामने खड़ा कर दो जो जिंदगी में कभी अंडा मांस कुछ ना खाता और वहां ऐसे ही होते हैं सब ओलंपिक्स में ये जो हमारे मेडल लेके आ रहे हैं ज्यादातर शाकाहारी है और देश में मांसाहार सबसे ज्यादा कहाँ होता है अब उन लोगों की कथकाठी कैसी होती है थोड़ा विचार कर लीजिएगा कहाँ होता है बिहार झारखंड बंगाल और फिर दक्षिण भारत बंगाल से कितने पहलवान निकलते हैं और वहां मांस के बिना काम ही नहीं चलता मांसाहार से शरीर बनता है क्या मांसाहार से पोषण आता है क्या औसत ऊंचाई किसकी होती है ज्यादा पंजाबी की बंगाली की पर मांस तो सारा बंगाली ने खाया था तो शरीर क्यों नहीं बना फिर अभी बड़ा मजा आया था विंबलडन जो फाइनल हुआ था हम विंबलडन फाइनल की बात कर रहे हैं उसके दोनों फाइनलिस्ट पता है ना क्या थे वीगन हम विंबलडन के फाइनल की बात कर रहे हैं नेट के इस तरफ उस तरफ दो लोग खड़े हुए हैं जो मांस छोड़ दो दूध भी नहीं छूते और विंबलडन फाइनलिस्ट हैं दोनों और उनमें से एक शायद अपना कैरियर खत्म करते करते सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का कीर्तिमान अपने नाम करेगा फेडरर जा चुके हैं नाडाल को चोट लग चुकी है तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम तो किसके पास बचेंगे तो आप जितने भी तर्क दोगे मांसाहार के पक्ष में वो आधी बुद्धि के ही तर्क हो सकते हैं थोड़ा सा भी आप उसमें अगर विचार करोगे तो आपको देखेगा कि इतना बचकाना तर्क है कि मैं नहीं दूं तो बेहतर है आ रही है। हिंसा क्या है जब चेतना को ऊंचाई देने का या ऊंची चेतना को बचाने का विकल्प हो और आपने नहीं बचाया अपने प्रति हिंसा क्या हुई फिर अपने प्रति हिंसा क्या हुई अपनी चेतना को ऊंचाई न देना अपने प्रति हिंसा हो गई तो आप घोर हिंसक हैं अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आप अपनी चेतना को बढ़ा नहीं पा रहे हिंसा का संबंध चेतना से है चेतना को न उठाना ही हिंसा है कुछ समझ में आ रही है बात मनुष्यों में भी दो मनुष्यों को बचाना हो दो में से एक ही बच सकते हैं कोई ऐसी स्थिति आ जाए एक बिल्कुल उदात्त चेतना वाला आसमान जैसी ऊंचाई है उसमें और एक जिसने अब तय ही कर लिया है कि जिंदगी बर्बाद करनी है हो सके तो दोनों को ही बचाओ क्योंकि जिसने तय भी कर लिया है सुधरने की कुछ संभावना तो अभी भी उसमें होगी शून्य तो नहीं हो गई उसके भी बचने की संभावना पर अगर स्थिति ऐसी आ गई कि दोनों में से एक ही बच सकता है तो बोलो किसको बचना चाहिए बस इसी सूत्र से जीवन में निर्णय करने हैं हमेशा उस तरफ को चलो जिधर चेतना की ऊंचाई हो राम और रावण की लड़ाई में इसलिए हम चाहते हैं कि राम जीते हो सके तो रावण भी बच जाए क्योंकि रावण भी कोई हल्का व्यक्ति तो था नहीं ज्ञानी था और ज्ञानी न भी हो तो भी सुधरने की और बढ़ने की गुंजाइश तो सब में ही बची रहती है तो काश ऐसा हो सकता कि रावण शांति पूर्वक ही मान जाता पर अगर ऐसी हालत हो ही गई है कि दोनों में से एक ही बचेगा राम और रावण में से तो राम को बचना चाहिए क्यों बचना चाहिए कारण स्पष्ट हो गया ना अगर ऐसी हालत आ गई है कि मनुष्य और जानवर में से एक ही बच सकता है तो किसको बचना चाहिए पर हम पूरी कोशिश करेंगे हम जान लगा देंगे कि जानवर को भी बचा सकें यही मनुष्यता की निशानी है जो जानवर के लिए भी अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो जाए मनुष्य वो नहीं है जो अपनी धारणाओं और मान्यताओं की खातिर जानवर को कुर्बान कर दे वो मनुष्य है ही नहीं मनुष्य वो है जो जानवर को बचाने की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दे समझ में आ रही बा सूत्र अगर आप याद रखेंगे कि मूल बात है चेतना तो फिर आपको बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि मांसाहार में क्या बुराई है और मांसाहार से संबंधित जितने भी कुतर्क आते हैं आप तत्काल उनका उत्तर भी दे पाएंगे इतना ही नहीं फिर बात सिर्फ आहार से संबंधित नहीं रह जाएगी क्या खा रहे हो फिर बात जीवन की हो जाएगी कैसे जी रहे हो क्योंकि सिर्फ खाने में हिंसा नहीं होती हिंसा हमारे जीवन के हर कोने में है हिंसा हमारे समय के हर पल में है खाना तो बस हिंसा का एक रूप है हमारे जीवन में ही हिंसा है जिस भी चौराहे पर आपने गलत मार्ग चुन लिया आपने हिंसा कर दी अब बताओ दूसरे की चेतना को उठाने के लिए उसको थप्पड़ मारना पड़ गया यह हिंसा है या अहिंसा ये अहिंसा है और आप दूसरे से मीठी मीठी रस भरी बातें बोले जा रहे हो और उसकी चेतना वैसी कि वैसी पड़ी है बल्कि और डूब रही है यह हिंसा है कि अहिंसा हिंसा तो हिंसा क्या है सच्चाई से पहचानो दूसरे से मीठा बोलना अहिंसा नहीं होती कई लोग सोचते हैं अहिंसा का यही तो मतलब है किसी का दिल मत दुखाओ ना यह बहुत मूर्खतापूर्ण परिभाषा है कि, कि किसी का दिल मत दुखाओ यही अहिंसा है अगर दिल दुखाने से उसका भला होता है तो दिल दुखाना ही अहिंसा है समझ में आ रही है बात तो आहार संबंधी बात क्या है वो समझिए फिर ये भी समझिए कि हिंसा आहार से बहुत आगे की बात है